तो मुझे कई सारा फ्रेंड में कमेंट पे ही बताया था जो ये सर ऑनडोल फाइव जो मशीन का तो इंजन ऑयल सर्विस ग्यारल सर्विस वगैरह वीडियो वगैरह बना के जरा हेल्प करने के लिए। ये जो मशीन है ये सर ऑनडोल फाइव सानी का, इसमें इंजन ऑयल का सर्विस और इंजन ऑयल फिल्टर का सर्विस दिखाएंगे। तो देखो ये सर ऑनडोल फाइव में टोटल 4 फिल्टर लगता है। यहाँ पे फिल्टर है, थोड़ा नज़दीक में आ रहा हूँ। ये ऑयल फिल्टर है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ऑयल फिल्टर, ठीक है। ये उसका पार्ट नंबर है और ये दिखाता हूँ निकाल के। ये ऑयल फिल्टर है, मतलब ये इंजन ऑयल का फिल्टर है। इसमें इंजन ऑयल के लिए एक ही फिल्टर चाहिए। ये है फ्यूल फिल्टर, है जो कि डीजल का फिल्टर है। ये देखो डिजाइन में, ये फ्यूल फिल्टर का दो फिल्टर होगा, ये दोनों का दोनों सेम है। ये देखो दोनों का दोनों सेम है। इसके बाद आएगा फ्यूल क्लीनर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है या फ्यूल फिल्टर दिया है, लेकिन ये क्या है, वाटर सेपरेटर का काम करता है। आप जो भी वही लोग ऑपरेटिंग करते हो या हेल्पिंग कर रहे हो मशीन में, सब लोग को मालूम है, हम लोग इसको आसानी में इजी में वाटर सेपरेटर बोल देते हैं, लेकिन ये फ्यूल क्लीनर है, फ्यूल को क्लीन करता है। वाटर सेपरेटर भी काम करता है क्योंकि वाटर को सेपरेट कर देता है। तो एसआर ऑनडोल 5 में टोटल 4 फिल्टर ही चाहिए, और जो बड़ा मशीन है लास्ट टाइम में दिखाया था 235-285 का सर्विसिंग का वीडियो, उसमें 7 फिल्टर लगता है। तो ये बहुत आता है, देखो सर्विसिंग का तरीका जो है सब सेम टू सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। खाली क्या होता है, बड़ा मशीन में वो बड़ा रहता है, सब कुछ ज़्यादा चाहिए, फिल्टर भी ज़्यादा चाहिए, ऑयल कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए। छोटा मशीन में क्या होता है, थोड़ा ऑयल कैपेसिटी भी कम होगा, फिल्टर भी कम होगा, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। सभी मशीन की तरह इस मशीन में भी कैसा इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, नीचे से ड्रेन करना पड़ता है, ऊपर से फिल करना पड़ता है। तो इंजन ऑयल जो चेंज करने का तरीका है वो पूरा सेम टू सेम है, वो भी मतलब बहुत आसान है। इसका सर्विसिंग कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे में ये जो आप शील्ड देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बॉडी शील्ड डाउन साइड का, तो ये शील्ड को पूरा ओपन करना पड़ेगा। शील्ड को ओपन करके वहाँ पे एक वॉल रहेगा, तो उस वॉल को ओपन करके इंजन ऑयल को ड्रेन करना है। इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद ऊपर से फिल कर देना है। ये इंजन ऑयल चेंज करने का काम करता हूँ, वो भी दिखाएंगे। हमारा आदमी लोग हमारा साथ टीम है, तो टीम काम करेंगे। हमारा जो टीम लोग है ना वो सब एक्सपर्ट है, लेकिन क्या है ना वीडियो बनाने का चक्कर में थोड़ा बताना पड़ेगा है ना। तो भाई लोग सब काम करो, इसको खोल दो। देखो हर मशीन की तरह इस मशीन में भी इंजन ऑयल ड्रेन करने से पहले ऊपर का कैप खोल देना चाहिए। देखो ये इंजन ऑयल रिफिल करने के लिए कैप है, ये जगह है, इधर से इंजन ऑयल डालना पड़ता है। ये आप सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इस कैप को ओपन करेगा तो एयर पास होगा, तो उसके नीचे से अच्छे से ऑयल ड्रेन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। आप नीचे चलो दिखाता हूँ ऑयल की। देखो यहाँ से ये जो वॉल दिख रहा है, वॉल से ड्रेन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी एक और ड्रेन बाकी है, देखो यहाँ पे एक नट देखो, हाँ इसको निकाल के फुल ड्रेन करना है। मतलब क्या है, वॉल देखो थोड़ा सा हाइट में है, ठीक है ना, मतलब वॉल से तो ड्रेन हो गया, लेकिन नीचे में चैम्बर में फिर भी थोड़ा सा ऑयल बचा है। जो कचरा जो ऑयल है, मेन जो कचरा ऑयल है वो इधर से निकलेगा। इसीलिए कभी भी इसको जब ड्रेन कम्प्लीट हो जाएगा, ये वॉल में कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे एक नट है, ये नट को निकल के फुल ड्रेन करना चाहिए, ताकि नीचे का जितना सारा कचरा वाला ऑयल आएगा वो सब नीचे में ड्रेन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो पिछली बार मैंने एक वीडियो सुना था, अपलोड किया था फेसबुक में, यूट्यूब में। तो यूट्यूब से कई सारा फ्रेंड मेरे को कमेंट में बोला था जो एसर ऑनडोल 5 में थोड़ा सर्विसिंग का वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ से एसर ऑनडोल 5 का वीडियो बना रहा हूँ सर्विसिंग का। ऑनडोल 5 मशीन है, इसमें 26 लीटर का चैम्बर है, इंजन का जो चैम्बर है वो 26 लीटर का है, और इसमें हम लोग 28 लीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि फिल्टर के लिए और एक दो लीटर हम लोग एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक है ना। इंजन ऑयल ड्रेन दिखा दिया, कैसे ड्रेन करना पड़ता है, नीचे से ओपन करके ड्रेन करना है, ऊपर से फिल करना है। अभी इंजन ऑयल ड्रेन कर दिया, इसके बाद अभी काम है फिल्टर सर्विसिंग का, यानी फिल्टर को पुराना फिल्टर को चेंज करके नया फिल्टर लगाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंजन ऑयल को रिफिल करेंगे। पुराना फिल्टर निकालने से पहले मैंने दिखा देता हूँ कौन सा फिल्टर कहाँ कहाँ रहता है, ठीक है ना। आ जाओ, इसको कहाँ पे लगा रहता है, देखो ये यहाँ पे लगे रहेगा, ये कहाँ पे है, कोई भी मशीन का लेफ्ट साइड में है, एक ही फिल्टर है। और ये सर ऑनडोल 5 जो मशीन है उसमें एक ही फिल्टर है वाटर सेपरेटर का, और बाकी जो 3 फिल्टर है वो ऊपर लगेगा, एक इंजन ऑयल का, 2 डीजल फिल्टर का। एक और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, फिल्टर का पैकेट के साथ ओरिंग आएगा, ओरिंग वॉशर ये आएगा, ठीक है ना। वो कौन सा है, वाटर सेपरेटर, जो कि ये सब फिल्टर के लिए, जो शीशा वाला रहता है ना ये सब फिल्टर के लिए, बाकी दूसरा जो इंजन ऑयल और डीजल फिल्टर रहता है उसके लिए नहीं आएगा। अभी ऊपर में जाके दिखाता हूँ, देखो बाकी फिल्टर कहाँ का लगेगा अभी दिखाता हूँ। अभी हम लोग मशीन का ऊपर आ चुका है, ये जो फिल्टर है इसका क्या है, ऑयल फिल्टर, यानी ये इंजन ऑयल का फिल्टर है। इंजन ऑयल का फिल्टर ठीक इस तरह होगा, ठीक है ना। ये देखो ये आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, और देखो ये फिल्टर यहाँ पे है, ये एक ही फिल्टर है इंजन ऑयल का, ये लगेगा, ठीक है ना। और बाकी जो 2 फिल्टर है, ये देखो ये जो इंजन ऑयल का फिल्टर है, ये निकालने का एक तरीका होता है, यहाँ पे देखो एक नट है, डाउन में आता हूँ, ये यहाँ पे देखो एक नट है, ये नाट जब भी लूज करना है, ये लूज करने से ये जो होस पाइप दिया हुआ है, देखा है ना, ये किस लिए दिया हुआ है, इसमें से ऑयल ड्रेन होगा, जो आपका वेस्ट ऑयल है वो इस पाइप से ड्रेन होगा, ताकि ये फिल्टर को जब हम रिमूव करेंगे ना, जब ओपन करेंगे, ये पूरा कचरा जो इंजन ऑयल है निकल के ये बॉडी को खराब कर देगा, कचरा बना देगा,
इसलिए क्या किया है कंपनी से, ये सिस्टम किया है, बहुत अच्छा सिस्टम है। ये नट को लूज करेंगे तो ये जो ड्रेन पाइप है, इस ड्रेन पाइप से जो वेस्ट ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद ये फिल्टर को निकालने से बॉडी भी अच्छा रहेगा, कचरा नहीं होगा, सब सही रहेगा। तो अभी करो ये थोड़ा देखो, इधर थोड़ा देखाओ, नया फिल्टर में डीजल फुल करके फिल कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि डीजल फुल करके फिल करेगा तो एयर लॉक होने का चांस कम रहता है, ठीक है ना। तो अभी ये नया फिल्टर फिक्स करेगा, लगाओ इधर नजदीक में आ जाओ। ये फिल्टर में नीचे ये क्यों दिया है मालूम है, यहाँ पे वो चेन लगाने के लिए। इसीलिए मैं सभी लोगों को बार बार बोलता हूँ, कोई भी दूसरा फिल्टर में अगर नहीं रहेगा तो भी आप ऊपर नीचे लगा सकता है। इसमें देखो ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे लगाने के लिए, वो जहाज जो टूल से हम लोग टाइट करेगा ना, चेन हो, बेल्ट हो, जो भी हो, तो ये प्लेस में वो लगाने के लिए ही ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं ये भी, लेकिन इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे लगा के यूज़ करना है, टाइट करना है। एक बार टाइट करो, बस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना। हल्का सा टाइट कर दो, वो भी थोड़ा टाइट कर दो, बस हो जाएगा। बस अभी ये दोनों और इस तरफ एक है, तीन फिल्टर इंजन के साथ में जो है, ये तीनों फिल्टर हम लोगों ने ओल्ड चेंज करके नया वाला बदल के पूरा नया वाला लगा दिया है, और एक फिल्टर बचा है वो इस तरफ आएगा। तो गाइस ऊपर में जो तीन फिल्टर है, तीन फिल्टर बदल दिया है, अभी देखो और एक फिल्टर बचा है यहाँ पे, इसको चेंज करना है। ये देखो ये वाला जो फिल्टर है, चेंज करने से पहले ये वाला बंद कर लेना चाहिए। देखो इस तरफ है ना, ये वाल बंद है, अगर बंद नहीं करेगा तो यार ये जब भी ओपन करेगा ना, ये ऑयल इधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बंद करके ये फिल्टर को निकलना चाहिए। और एक चीज़ है, ये फिल्टर कभी भी चेंज करना है तो बहुत ध्यान से, सावधानी से, क्योंकि ये प्लास्टिक फाइबर का है, ज़्यादा प्रेशर डलेगा, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो फट जाएगा, फट जाएगा तो सिंगल में नहीं मिलता है, कंपनी से आपको पूरा सेट बदलना पड़ेगा। इसको हम लोगों ने वाटर सेपरेटर और फ्यूल क्लीनर क्यों कहते हैं, ये देखो, ये देख रहा है ना, हाँ वो दिखाएंगे, फिल्टर खोलने के बाद दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे इतना तक है ना, ये देखो वाटर आ गया, ये इतना तक ही वाटर और कचरा जम गया, और इसका ऊपर से देखो अच्छा वाला फ्यूल है, ठीक है। उधर तो की नूरा जमी जो डीजल में कचरा है, सारी कोले, सारी कोले, सारी नूरा कोले। ये देखो दिखा दे रहा ना, अच्छा इतना सा ये वाटर है, ये वाटर और उसके साथ में कचरा है, उसका ऊपर में डीजल है, और डीजल में कितना कचरा है वो देख सकता है। ये देखो ये भी पूरा कचरा जम गया, इसीलिए ये फिल्टर को फ्यूल क्लीनर कहते हैं, और हम लोग इसको वाटर सेपरेटर भी बोलते हैं। और एक चीज़ दिखाएंगे, ये फिल्टर को कभी भी चेंज करने से पहले ये जो वाल दिख रहा है ना, इसको लूज करने से ये वाल ड्रेन होता है, ये जो पाइप जिसे ड्रेन पाइप कहते हैं, ठीक है ना, ये ड्रेन, ये जो फ्यूल है, कचरा वाला जो ऑयल है, इसको ड्रेन करने के लिए दिया हुआ है। ये जो प्लास्टिक का दिख रहा है ना, इसको टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, टाइट करने से बंद हो जाएगा, लूज करने से ये ड्रेन होगा, देखो इधर, ठीक है ना। ये किस लिए दिया हुआ है, ये ड्रेन पहले, ये रिमूव करने से पहले, इधर देखो, ये पहले निकालने से पहले इसको ड्रेन कर देगा तो मशीन में कचरा कम होगा, मतलब झटक से ये निकलेगा तो फिल्टर के ओवरफ्लो होकर डीजल वगैरह गिरेगा, आपका कपड़ा कचरा होगा, शरीर में लगेगा, मशीन का बॉडी में लगेगा, बहुत कचरा होगा, इसलिए ये ड्रेन पाइप दिया हुआ है, ताकि पहले इसको डीजल को निकालने के बाद ही फिल्टर को रिमूव करना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए निकल दें। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट पूरा क्लीन कर दिया है, कितना कचरा हो चुका था। तो वैसे ये कैबिनेट लगाने से पहले फिल्टर के साथ एक ओरिंग जैसा आएगा, है ना, वॉशर देखो, हर फिल्टर के साथ नहीं, इसका जो फिल्टर है वो फिल्टर, हर एक फिल्टर का कवर के साथ ये आएगा, ओरिंग को डालना है यार, नया वाला ओरिंग नहीं डालेगा, बाद में ऑयल भी लीकेज हो सकता है, मतलब एयर लॉक हो सकता है।
इसमें सब देख सकता है, ये ओरिंग डाल दिया, नया वाला ओरिंग है। ये जो फिल्टर है ना, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सॉकेट रहता है अंदर में, ये फिल्टर को सॉकेट में बिठा के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये हवा में रुक जाएगा, इसके बाद ही एक यूनिट को लगाना है, तभी जाके वो अच्छे से सेट होगा। टेंशन नहीं चुका ना, जाओ टाइट फॉलो नहीं। गाइस हर बार की तरह इस बार भी फ्यूज देखो, इंजन ऑयल पहले थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा डाल के नीचे से ड्रेन कर देंगे, इंजन में अंदर में अगर कुछ कचरा वगैरह रहेगा वो भी फ्रेश होकर नीचे से उतर जाएगा, ठीक है, नीचे से निकाल देंगे। चेक कर लो, आप इधर आओ, देखो ये देखो यहाँ तक ऑयल आया है, देखा था ना, देखो यहाँ तक ऑयल आया है, मतलब और थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा मतलब क्या, एक लीटर भी नहीं जाएगा, थोड़ा एक लीटर ऐसा कुछ डाल, हाँ थोड़ा सा डाल दो, एक लीटर ऐसा डाल दो, एक बार गेज चेक करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है ना। देखो यहाँ तक आया है, मतलब हम लोगों को जितना तक चाहिए था उतना ही आया है, एकदम बराबर, पक्का बराबर हम लोग इंजन ऑयल फिल किया है। तो इस तरह कभी भी इंजन ऑयल को रिफिल करना है तो ये जो गेज है, गेज को चेक करके ही डालना है, मतलब आप अभी 50 लीटर का ड्राम है हमारे पास, हम लोग कैसे ये मतलब पता चलेगा कितना लीटर डाला कि नहीं डाला है। ये 26 लीटर का चैम्बर है, 2 लीटर एक्स्ट्रा डालता है क्योंकि फिल्टर में भी थोड़ा 1 लीटर 1.5 लीटर आ जाता है, तो इसलिए हम लोग इसमें 28 लीटर तक डालता है, और 15 लीटर से हम लोग 28 लीटर डाल दिया, अभी भी बताया 22 लीटर बचा है। तो इंजन ऑयल हमने रिफिल कर दिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम अभी है ना, हम लोगों ने चारों का चारों फिल्टर चेंज कर दिया, हमने ओल्ड फिल्टर निकल के नया फिल्टर लगा दिया, उसके बाद इंजन ऑयल भी पुराना वाला निकल के ड्रेन करके रिफिल कर दिया नया वाला इंजन ऑयल, मतलब इंजन का सर्विस जो है वो लगभग हो चुका है। अभी हमारा काम है एयर लॉक का चलाना है, मतलब अभी ये फिल्टर के अंदर देखो, थोड़ा नजदीक में आ जाओ, ये फिल्टर के अंदर कोई डीजल वगैरह कुछ नहीं है, फ्यूल नहीं है, अभी स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, एयर लॉक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, लेकिन इसको कैसे ऑयल को फिल करेगा वो अभी दिखाना पड़ेगा, है ना। चलो अभी दिखाता हूँ, ये वाल को पहले बंद कर दिया था, वाल को ऑन कर देगा, ये भी ऑन कर देगा इसका, एक तो वाल को छोड़ दिया है, अभी इस नट को लूज करेंगे, देखो ये देखो यहाँ पे देखो डीजल आना स्टार्ट हो गया ना, ये नट को लूज करेंगे तो टैंकी से ऑटोमेटिक डीजल आना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ अगर टैंकी फुल रहेगा तो, और अगर टैंकी फुल नहीं है, इसका जो डीजल लेवल है टैंकी से लेवल का अगर कम है तो, ये यहाँ पे एक पंप दिया हुआ है, मैंने दिखाता हूँ, वो पंप को यूज़ करके इसको फिल करना है, वो भी मैंने दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो ये नट को, नट दिखा रहे ना, ये नट को लूज़ क्यों किया, ये नट को लूज़ करने से यहाँ से हवा निकल रहा है, अच्छे से दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर मशीन में, कोई भी मशीन का देखो, इंजन ऑयल चेंज करना, फिल्टर चेंज करना, वो कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब लोग यानी कोई भी आदमी को एक बार देखा देखा कर सकता है, वो कुछ भी बड़ा काम नहीं, आसान नहीं है, मतलब सब कुछ आसान है, लेकिन काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एयर लॉक छोड़ने का काम ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं होगा, एक बार एयर पकड़ लेगा तो पूरे दिन मर जाएगा सब लोग, एयर निकलते निकलते फिर भी इंजन चालू नहीं होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो पहले देखो हम लोग जो फिल्टर है मशीन का, जो चार फिल्टर है, चारों फिल्टर चेंज कर दिया, नया फिल्टर लगा दिया, इंजन ऑयल भी ड्रेन करके पूरा नया वाला इंजन ऑयल डाल दिया, अभी इसमें से एयर निकलना है कैसे, ये देखो अभी अभी थोड़ा सा फिल किया है, फिर से नया करके मतलब फिर से दिखाने के लिए मैंने तो स्टॉप कर दिया है। ये वाल को है ना, हमने पहले बंद करके रखा था, ये वाल को भी छोड़ दिया, इसको भी बंद करके रखा था, इसको भी छोड़ दिया, दोनों वाल चालू है, ठीक है ना। अभी इसको निकालने के लिए ये जो नाट है, देखो ये नाट को ये 40 नंबर का पन्ना से लूज़ करना है, लूज़ करने से यहाँ से एयर पास होगा और देखो ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो किस तरह ऑयल आ रहा है, ठीक है, देखो गाइस किस तरह वाला है। और एक चीज़ है, ये ऑयल अभी किस लिए आ रहा है, क्योंकि अभी ये टैंकी फुल है, डीजल टैंकी फुल है, इसीलिए ये ऑटोमेटिक ऑयल आ रहा है, तो एयर निकलने से ऑटोमेटिक आ रहा है, अगर टैंकी फुल नहीं है, डीजल लेवल नीचे में, तब कैसे यार निकलेगा,
उसके लिए इसके साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वाला पंप दिया हुआ है, उसको यूज़ करके इसमें से एयर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है कोई भी वाटर लेवल कभी भी एक रहता है, कोई भी डाउन में नहीं रहेगा, एक तरफ ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उसी का हिसाब से इसमें ऑयल आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी मान लो इसका नीचे में ऑयल है, टैंकी का नीचे में ऑयल है, तब तो इधर नहीं आएगा, तब क्या करेंगे, मोबाइल तो दिखाता हूँ। तो देखो अंदर में एक मोटर रहेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप है, ये एक पंप का काम करता है, ठीक है ना। ये मोटर है, इसका स्विच नहीं है, ये डायरेक्ट चलता है। मशीन का जो चाबी है, मेन जो इंजन का स्टार्ट करने वाला चाबी है, वो ऑन करने से ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। जब भी चाबी ऑन करेगा तब ऑटोमेटिक चाबी, भाई एक बार चाबी ऑन करो, मैं दिखा देता हूँ। देखो अभी चाबी ऑन करेगा, ये देखो मोटर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। एक आवाज़ सुनाता हूँ, बंद करो, बंद कर दो, चाबी बंद करो। देखो चाबी बंद कर दिया तो ये मोटर भी बंद कर दिया, ठीक है ना, मोटर भी बंद हो चुका है। तो ये मोटर जो है इसको एयर निकालने का काम करता है, ठीक है ना। कभी भी ये मोटर चालू रहेगा तो वो डीजल टैंकी से डायरेक्ट है वो फ्यूल को है ना पंपिंग करते रहेगा। ये पंप कहाँ से लगा हुआ है, मेन पाइप है डीजल का, टैंकी से ये पाइप आ रहा है, ये टैंकी से ये पाइप आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से ऑयल आएगा, ऑयल आके ये देखो दूसरा तरफ एक जो पाइप है, ये पाइप कहाँ जा रहा है, देखो ये पंप क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप है, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से उसके बाद एक पाइप से डायरेक्ट इंजन में जा रहे हैं, ठीक है ना। इंजन में जो दूसरा वाला फिल्टर है उस फिल्टर में जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये नट को टाइट रखना है, तब अगर ये पंप को यूज करेगा तो ये नट को लूज निकालने से नहीं होगा, ये नट को टाइट करके रखना है, ठीक है। तो अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ क्या काम कर। देखो डायरेक्ट वो पंप से ये फिल्टर में ऑयल आएगा डीजल, ठीक है ना। तो क्या करना है, ये जो ऊपर में नट दिख रहा है ना, इस नट को लूज करना है, ये देखो इस नट को लूज करने से यहाँ से यार निकलेगा। ये नट को लूज करने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पंप है वो पंप को ऑन करना है। भाई एक बार चाबी ऑन करके वो पंप को चालू करो, देखो इधर देखो अभी बिल्कुल डीजल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो पंप को जब चालू करेगा यहाँ से डीजल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। चालू करो, चाबी ऑन करो भाई, वो पंप का स्विच ऑन कर दो, बस अभी इस तरफ आओ, उस तरफ आओ, देखो यहाँ से किस तरह डीजल आएगा, देखो देखो आ रहा है कि नहीं। भाई पंप बंद करो, हाँ देखो डीजल बंद हो गया, ठीक है ना, डीजल आना बंद हो गया। और एक चीज़ है, रुको यहाँ पे पंप चालू कर दो, हाँ देखो किस तरह डीजल आ रहा है, और यार भी साथ साथ में देखो किस तरह यार निकल रहा है। ये सब यार अच्छे से नहीं निकलेगा ना तो इंजन में यार लॉक होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। आप उस तरह देखो, ये बंद करो, बंद करो, देखो ये पंप जो है ना, ये पंप अभी रनिंग में है, ठीक है ना। ये पंप क्या कर रहा है, यहाँ से ऑयल खींच रहा है, यानी हवा वगैरह जो भी रहेगा इस फिल्टर से खींच लेगा और ऑटोमेटिकली ऑयल फिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, देखो कभी भी एयर लॉक हो जाएगा तो पूरे दिन आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इंजन का एयर लॉक छुरा के इंजन चालू करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सरदर्द हो जाएगा, मतलब इतना धूप में, कड़ी धूप में दिन भर रात भर काम करके आके इंजन का एयर लॉक छुराने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, बहुत परेशानी। आप जो भी लोग ऑपरेटर हो, हेल्पर हो, आप लोगों को मालूम है, अगर आपका पास ऐसा कभी भी एयर लॉक का प्रॉब्लम आया होगा तो आपको मालूम होगा कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो कभी भी इंजन को सर्विस करना है, इंजन ऑयल फिल्टर का सर्विस करना है, इंजन ऑयल का तो छोड़ दो, वो नीचे से डालना है, गिरा देना है, ऊपर से डालना है, कोई बड़ा काम नहीं है। फिल्टर जो चेंज करना है ये भी कोई बड़ा काम नहीं है, पुराना वाला खोल दो, नया वाला लगा दो, बस इतना ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है यही है एयर लॉक छुराने का। बहुत सारा लोग मतलब जो ऑपरेटर मैंने खुद देखा करता नहीं है, लेकिन ये करो, ये करने से कभी भी एयर लॉक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर सभी फिल्टर ओके है, पाइप लाइन्स ओके है, सब कुछ बराबर है, ऑयल वगैरह फिल्टर अच्छे से मतलब क्लीन है, ऑयल अच्छे से आ रहा है, तो कभी भी ऑयल ऐसा मतलब ब्लॉक नहीं होगा और यार पकड़ेगा नहीं इंजन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ करो अच्छा रहेगा। अभी सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है, इंजन स्टार्ट करेगा, और इंजन स्टार्ट करने का भी एक तरीका है, वो मैंने दिखाता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, इंजन भी सर्विसिंग होने के बाद इंजन भी चालू करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। वो भी आप लोग करते क्या नहीं करते मुझे मालूम नहीं है। पहले देखो ये चाबी है, मैंने पहले ऑन कर दिया, ठीक है ना। चाबी ऑन करने से डिस्प्ले ऑन होगा, ये तो आप सब लोगों को अच्छे से मालूम है। पहले डिस्प्ले ऑन किया है, ठीक है, चाबी ऑन करके डिस्प्ले ऑन किया, उसके बाद मेन मेनू, देखो मेन मेनू में गया, उसके बाद यहाँ पे देखो कॉमन फंक्शन, ठीक है ना, एकदम पहले वाला फंक्शन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये फंक्शन पहले वाला ऑप्शन में नीचे में देखो आइडल स्पीड है ना, तो इस आइडल स्पीड को हमने कर देंगे फुल स्पीड, ठीक है ना। मतलब इसको करने से क्या होगा, इंजन फुल स्पीड में भागेगा चलेगा, ठीक है ना। अभी ये कर दिया, बैक कर दो। बैक करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो RPM का बटन है, ठीक है ना, ये रेगुलेटर है RPM का, इसको L से E1 से E2 में कर देना है, ठीक है ना, E2 में कर देना है। E2 में करने के बाद उसके बाद इंजन को स्टार्ट करना है। इंजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, तो पूरा इंजन स्टार्ट हो चुका है। इंजन का आवाज़ सुन लो, देखो और फ्यूल फिल्टर
गाइस अब आप लोगों को दिखा दिया कि इंजन ऑयल एसआर 125 में इंजन ऑयल और फिल्टर का सर्विस कैसे किया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर दो और वो जगह शेयर कर दो ताकि आपका दूसरा फ्रेंड या दूसरा आदमी को हेल्प हो जाएगा। वीडियो कैसे बना, कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या लगा वो आप पूरा कमेंट में बता दो ताकि हमें भी अच्छा लगे थोड़ा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए और सर्विसिंग का पूरा पार्ट दिखाने के लिए पूरा दिन लग जाता है, बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। मेरा साथ देखो यहाँ दे दो कैमरा मैन को दिखा देता है, देखो ठीक है ना, ये कैमरा मैन है। लेकिन गाइस एक बात बता देता हूँ, ये खाली मेरा कैमरा मैन नहीं है, है ना, ये हमारा पास पूरा मैकेनिकल का काम भी करता है, वेल्डिंग का काम भी करता है, सब कुछ करता है। और देखो यहाँ पे देखो बड़ा उस्ताद है, ये हवाई जहाज को चलाता है। भाई सब लोग हाय बोल दो और लाइक करने के लिए शेयर करो, सब लोग थोड़ा लाइक और शेयर करो ताकि ऐसा वीडियो और भी ज्यादा हमने शेयर करेगा, ठीक है ना।